शिव इस स्थान में बाघ का रूप धारण कर विराजे थे। इसी वजह से आगे चलकर इस क्षेत्र का नाम व्याघ्रेश्वर पड़ गया। लेकिन सन 1450 में चंद वंश के राजा लक्ष्मी चंद ने यहाँ बागनाथ मंदिर स्थापित किया और बाद में फिर बागनाथ मंदिर के नाम पर इसका नाम व्याघ्रेश्वर से हटकर बागेश्वर बन गया। वैसे प्राचीन काल से ही भगवान शिव और माता पार्वती की पवित्र भूमि होने के कारण इसे आज भी पवित्र भूमि माना जाता है और पुराणों के अनुसार बागेश्वर जिला को देवों का देवता भी कहा गया है। बात करें अगर मॉडर्न हिस्ट्री की तो यह क्षेत्र पहले चंद वंश के राजाओं द्वारा बसाया गया था। बाद में यहाँ कत्यूरी राजाओं का भी आवागमन हुआ। दोस्तों पहले बागेश्वर जिला अल्मोड़ा का ही हिस्सा हुआ करता था जो कि 15 सितंबर 1997 के समय अल्मोड़ा से अलग हुआ। सन 1800 की बात करें तो सन 1800 में बागेश्वर में 8 से 10 घरों की बस्ती हुआ करती थी। 1860 के आते आते यहाँ 200 दुकानें और कुछ बस्तियाँ धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। यदि हम 1860 की जनसंख्या का विवरण करें तो उस समय बागेश्वर में मात्र 500 लोगों की आबादी थी। बाद में यहाँ सरयू और गोमती नदी के कारण 1913 में यहाँ झूला पुल बनाया गया जिसमें हम आज भी आते जाते रहते हैं और फिर 1970 में उसी के बगल में मोटर पुल भी बनाया गया जिसमें आज भारी भारी गाड़ियाँ गुजरती रहती है। वैसे 1904 में अंग्रेजी शासकों ने यहाँ से टनकपुर रेलवे लाइन को जोड़ने की बात करी थी लेकिन उनके साक्ष्य आज भी अधूरे मिलते हैं। 1960 के समय में इंदिरा गांधी जी का भी बागेश्वर में आवागमन हुआ लेकिन टनकपुर से बागेश्वर लाइन सर्वेक्षण होने के बावजूद भी रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट स्थिर ही रहा और सरकारी कागजों में सिमट कर रह गया। जहां पर को आप बागेश्वर की सरयू नदी को देखते हैं वहीं पर को उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने कुली बेगार नाम की कलंक पूर्ण प्रथा को समाप्त करने के लिए यहीं पर को फैसला लिया था जिससे प्रभावित होकर 1929 में महात्मा गांधी जी स्वयं बागेश्वर पहुंचे थे। अगर हम सुर्खियों में जाए तो सन 1919 में बागेश्वर में पहला डाकघर खोला गया और 1926 में पहला सरकारी स्कूल भी बागेश्वर में खुला और यहाँ तात्कालिक मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के द्वारा सन 1974 में यहाँ डिग्री कॉलेज की भी स्थापना करी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन सन 1951 में बागेश्वर पहली बार बिजली से जगमगाया। यूं तो बागेश्वर में कई मेलों का आयोजन होता है लेकिन उत्तरायणी मेला यहाँ का खास और सांस्कृतिक मेला है जो कि मकर संक्रांति के समय लगता है। बात करें अगर बागेश्वर के पर्यटन स्थल की तो आप यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर बागनाथ टेंपल में घूम सकते हैं। साथ ही साथ अन्य मंदिरों के साथ आप बैजनाथ मंदिर, कौसानी, पिंडारी ग्लेशियर, कांडा, कपकोट आदि जगहों में घूम सकते हैं जो कि बागेश्वर के अंदर ही आते हैं। दोस्तों बहुत लोग ये पूछते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ बाघ रूप को धारण क्यों किया, आखिर क्या वजह ऐसी आ गई थी कि भगवान शिव को यहाँ बाघ रूप धारण करना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे एक ऐसी जगह में तपस्या कर रहे थे जहाँ से सरयू नदी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी महर्षि वशिष्ठ ने शिवजी से इस संकट को दूर करने के लिए निवेदन किया क्योंकि सरयू के अचानक न बढ़ने के कारण आगे बाढ़ आने का खतरा था। तब भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि का ध्यान भंग करने के लिए बाघ का रूप धारण किया और माता पार्वती ने गाय का रूप धारण किया। जब बाघ ने गाय को खाने के लिए दहाड़ मारी तो गाय जोर जोर से रंभाने लगी। गाय के रंभाने से मार्कंडेय ऋषि का ध्यान टूटा और वो गाय को बचाने के लिए चले गए जिस वजह से फिर सरयू नदी आगे बढ़ सकी। तो दोस्तों इसी वजह से भगवान शिव को यहाँ बाघ का रूप धारण करना पड़ा। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक और कमेंट्स जरूर दीजिएगा।